नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुष्पांली साहू। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक 22 साल की युवती ने अपने हिम्मत से चोरों का बहादुरी से सामना करते हुए पुलिस के हवाले किया। मामला राजेंद्र नगर इलाके की बजाज कॉलोनी का है। बीती शाम घर के बाहर टहल रही युवती पर कुछ लुटेरों ने हमला बोल दिया, लेकिन युवती ने उसके छक्के छुड़ा दिए। वह 15 मिनट तक उससे बराबर भिड़ी और उन्हें वहां से भागने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवती का नाम सोनिया है। उसने बताया कि वह और उसके पिता घर के बाहर टहल रहे थे। कुछ ही देर के लिए जैसे ही उसके पिता थोड़ा दूर गए, वैसे ही बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि बदमाशों ने उसका फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने फोन को टाइट से पकड़ लिया। सोनिया ने बताया कि उसने चोरों की शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जिस पर चोर ने शर्ट उतार भागने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ रहा। और वहीं आगे सोनिया ने बताया, वह मुझे बार बार धक्का दे रहा था और मुझे मार भी रहा था, जिसके कारण मैं गिर गई। तब भी मैंने हार नहीं मानी और चोर का पैर पकड़ लिया। इस बीच चोर ने भागने की कोशिश की और मुझे करीब 50 फीट तक घसीटा। इतने में मेरे पापा भी वहां आ गए और दो राहगीरों ने भी मेरी मदद की। इसके बाद उन लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इन सब में सोनिया को काफी चोटें भी आई और उसके मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई। पुलिस के मुताबिक सोनिया पर हमला करने वाले लुटेरे का नाम दीपक बघेल है। इस पर पहले भी चोरी व डकैती के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इस पर रायपुर के कोतवाली थाना में भी लूट के कुछ केस दर्ज हैं और वहीं आरोपी दीपक पहले भी इस तरह लोगों के रुपए और मोबाइल फोन छीन कर भाग चुका है। राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी विशाल खुजूर ने बताया कि रविवार को रिमांड पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी द्वारा की गई कुछ घटनाएं की डिटेल्स जुटा रही है। सर, मेरा नाम सोनिया बंसी है, मैं बजाज कॉलोनी सेक्टर 2 में रहती हूँ। कल शाम मैं घर के बाहर ऐसी वॉक कर रही थी तो उतने में सामने से एक आदमी आया, उसने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीना, तो उसने मुझे धक्का दिया। देन फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर उसने दोबारा धक्का दे करके भागा, तो मैंने पैर खींच के उसको पकड़ा और पकड़ी रही कंटिन्यू, और फिर मैं चिल्लाती रही चोर चोर करके। फिर पापा आए और कॉलोनी के बाकी लोग आए जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, सबने मेरी हेल्प की। मतलब आपको डर नहीं लगा अगर कोई हथियार होता है या क्या? सर, ऐसा है कि मेरा माइंड एकदम रैंडमली वर्क करता है, तो मैं जब रैंडमली जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। आपके साथ एक बार ट्रेन में भी कोई घटना हुई थी, तब भी आप बड़ी बहादुरी से लड़ी थी, ऐसा कुछ मतलब? जी सर। क्या हुआ था? वो मेरे फोटोज़ क्लिक कर रहा था, मुझे कंटिन्यू घूर रहा था, तो मैंने उसके फ़ोटोज़ निकाले चुपके से, देन उसको पकड़ा, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं क्लिक कर रहा था, ना ही मैं घूर रहा था। तब मैंने प्रूफ दिखाया सबको और सब लोगों ने मेरी हेल्प की उस टाइम पे। आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहती हैं आज की लड़कियों को? सर, ऐसे चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो किसी भी इंसान का कुछ भी चोरी करने के पहले बहुत सोचे और ऐसा कदम ना उठाए। कल शाम की घटना है, बजाज कॉलोनी में एक बच्ची टहल रही थी, इवनिंग वॉक कर रही थी, उसी समय एक बदमाश उस सामने से गुजरते हुए उसके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया। वो लूट का प्रयास कर रहा था, बच्ची ने बहुत बहादुरी के साथ अपने मोबाइल को बचाते हुए बदमाश से उलझी, धक्का मुक्की होने लगी और बच्ची ने मोबाइल लूटने नहीं दिया। आवाज़ लगाई तो मदद के लिए उनके फादर और आसपास के पड़ोसी सामने आए। बाद में वो आरोपी के साथ थाना का रिपोर्ट किए हैं, जिस पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी करके उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपी की अगर पिछली पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो किस तरीके के वो आरोपी है? जी, मामला भी इन्वेस्टिगेशन पे है, हम पतासाजी कर रहे हैं। हमें अभी कोतवाली में उसके खिलाफ दो से चार अपराध पंजीबद्ध होना पता चले हैं, जिसके लिए हम वहाँ से रिकॉर्ड मंगा रहे हैं ताकि हम उसे शामिल करके रिमांड पे भेज सकें।